खबर चूरी गंगानगर से है, जहां बीजेपी ने जयदीप बिहानी को प्रत्याशी बनाया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता सुनील सिहाग से बातचीत करते हुए जयदीप बिहानी ने फर्स्ट इंडिया न्यूज का आभार जताया और कहा कि कुछ दिनों पहले ही फर्स्ट इंडिया ने मेरा नाम प्रत्याशी के तौर पर प्रसारित किया था। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जयदीप बिहानी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। भाजपा ने आज पहली सूची जारी कर दी है। कई दिनों से क्या चल रही थी कि लगातार नाम सामने आ रहे थे, वही नाम जो पहले सामने आए थे उसी को लेकर भाजपा ने आज प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। श्री गंगानगर से जयदीप बिहानी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जयदीप जी, पहले तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपकी बधाई शर्मा थे। ये बधाई मेरी नहीं, गंगानगर की जनता की बधाई है। क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी दिनों से आपके नाम पर क्या चल रहा था, एक लिस्ट भी आउट हुई थी जिसमें सबसे पहले आपका नाम था जी, और बाद में पार्टी ने कहा कि ये फर्जी लिस्ट है और फिर वापस से आपका नाम आना और भाजपा के तरफ से आपको प्रत्याशी बनाना, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पार्टी हाईकमान का जो निर्णय है वो सबके लिए सिरोधार्य है, तो मैं कोई अलग नज़रिए से इसको देखूंगा, ये तो कोई अतिशयोक्ति होगी। और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो जनमानस को देखते हुए लिए, और जनमानस यदि मेरे पक्ष में था तो इस पर पार्टी ने गहन मंथन किया और उसके बाद मेरे नाम को डिक्लेयर किया। और रही बात जो पहले सूची आई, तो मीडिया तंत्र भी इतना मजबूत हो गया कि वो जब यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर की खबर ला सकता है तो ऐसी खबरें मीडिया में आना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया और मीडिया, ये दो जो आधार हैं वो कहीं ना कहीं इनके सूचना तंत्र अंदर तक बैठे हुए हैं और उसी आधार पर इन्होंने कोई ना कोई सूची जारी की। लेकिन जहाँ तक मैं गंगानगर की बात करूँ तो पार्टी ने जो अपना निर्णय लिया है वो बिल्कुल मंथन करके लिया है और पार्टी की हार जीत के फैसले को देखते हुए लिए। फर्स्ट इंडिया ने आपका नाम 5 दिन पहले चला दिया था। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं कि आपने मेरा नाम 5 दिन पहले चला दिया और आपको फॉलो करते हुए कई चैनल्स ने भी इस तरह नाम चलाए और फिर गंगानगर के सोशल मीडिया पे भी ये नाम, अखबारों के माध्यम से भी ये नाम फैलता गया। शायद आपने अपने स्तर पर भी जनता का जनमानस टटोला होगा और उसी आधार पर आपने मेरा नाम चलाया। बिल्कुल, धन्यवाद फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए। ये थे जयदीप बिहानी। फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद भी दिया है कि 5 दिन पहले जो नाम चलाया था वो मेरे बिल्कुल ध्यान में था और वो ही आज भाजपा ने लिस्ट जारी की है। दूसरी बात, शहर में गुंडागर्दी और नशाखोरी, इसको लेकर निशाना साधा है सरकार पर। कह रहे हैं कि जल्द ही अगर भविष्य में भाजपा की सरकार बनती है तो इस पर रोकथाम लगाई जाएगी। सुनील सिहाग, फर्स्ट इंडिया, श्रीगंगानगर।